यहीं से स्टार्ट करा था मेरी सीपीटी, उस टाइम सीपीटी होती था, अभी फाउंडेशन है। मैंने क्वालिफाई करा है 2016 में, जनवरी में, नवंबर 15 मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। उसके बाद से आई वर्कड विद डेलॉइट फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स इन टू ऑडिट एंड अश्योरेंस। आई लेफ्ट डेलॉइट एज एन डेप्यूटी मैनेजर, देन आई वर्कड विद ईवाई एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन टू मजर एक्विजिशंस फॉर ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स। करंटली आई एम इन कतर वर्किंग विद मजाज। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड द नेम, बट इट इज टॉप 10 MNC consulting like Deloitte. So over there, कहीं पे भी हायरिंग होती है ना, तो सबसे पहले HR एक ही बात बोलता है, डोंट डिस्क्लोज योर सैलरी। उसके पीछे कोई रीजन होगा, बट आई कैन गिव यू अ रफ नंबर, आई एम नॉट श्योर यू विल इमेजिन और नॉट, इट्स प्लस 70 लाख पर एनम। 70 लाख प्लस पर एनम। एक कंपनी ने 7 राउंड लिए, मेरे को, मेरे पास अभी ऑफर है, मैं मजाक छोड़ रहा हूँ, रेजिग्नेशन पे हूँ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ। 7 राउंड्स लिए, ग्रुप सीईओ ने इंटरव्यू लिया, यूएस का था। मैंने उनसे कंपनसेशन मांगी 60% अप। मैंने कहा जहाँ मैं हूँ मेरे को 60% अप चाहिए। उनके लेवल में नहीं था करना, चेयरमैन से एक्सेप्शनल अप्रूवल आई है, बोला चाहिए तो राहुल चाहिए वरना कोई नहीं चाहिए। एचआर ने 20 बंदे दिखाए उनको, लेकिन कोई मेरे जैसा नहीं था, शायद कोई इंडिया से नहीं था। सीए राहुल गिल, एक्चुअली मैं, मेरे से मिलना चाह रहे थे तो मैंने कहा कि सबसे ही मिल लेते हैं फिर, क्योंकि ये टाइम तो मैंने लगाना ही था उनके साथ, लेकिन अगर हम सबसे मिल लें तो फिर आप लोगों को फायदा होगा उससे। अच्छा ये ध्यान रखना कि मान लो वो कुछ पूछें, बोले कि भाई आप पूछ सकते हैं, तो ये नहीं सोएं कितना बजे, उठें कितना बजे, ब्रश कितना बजे करें, ठीक है ना। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और काफ़ी टाइम हो चुका है बने हुए, तो आप उसी लेवल के सवाल उनसे पूछना, क्योंकि अब तो उनको खुद को भी याद नहीं होगा भाई कितने बजे सोए कितने बजे उठे, अब वो प्रेजेंट का बहुत अच्छा बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट उनको सुनना है, और ये आ गए हैं जी, प्लीज स्टैंड अप, सीए राहुल गिल। क्या हाल चाल है, क्या, अरे अरे, गॉड ब्लेस, ठीक है राहुल। जब मेरे पास ये मैसेज आया कि आप आए हुए हो और अपन मिल सकते हैं 10 मिनट, तो मैंने सोचा एक बार सभी भी मिल लें, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा सीनियर हो, तो आप एक बार 10 मिनट आप इनके साथ स्पेयर करें, फिर अपन ऊपर चल के कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है सर। वैसे कुछ प्रिपेयर करके तो नहीं आया मैं यहाँ के लिए, उधर ही कहीं बैठता था, सेकेंड लास्ट बेंच मेरी ही होती थी, और यहाँ पे सर खड़े होकर मुझे बोलते थे बेटा खड़ा हो जा। सो स्पेशली आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, बट आई वुड लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। डोंट प्रज्यूम सीए ऐसे ही होते हैं, मैं जा रहा था मैं रुक गया, वरना सीए कोट पैंट में दिखते हैं, मेरे जैसे नहीं होते। पारस के ऐसे ही होते हैं, पारस में आते तब ऐसे ही होते हैं। तो किसी कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, अगर मेरा, मैं मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ पहले। यहीं से स्टार्ट करा था मेरी सीपीटी, उस टाइम सीपीटी होती था, अभी फाउंडेशन है। मैंने क्वालिफाई करा है 2016 में, जनवरी में, नवंबर 15 मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। उसके बाद से आई वर्कड विद डेलॉइट फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स इन टू ऑडिट एंड अश्योरेंस। आई लेफ्ट डेलॉइट एज एन डेप्यूटी मैनेजर, देन आई वर्कड विद ईवाई एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन टू मजर एक्विजिशंस फॉर ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स। करंटली आई एम इन कतर वर्किंग विद मजाज। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड द नेम, बट इट इज टॉप 10 MNC consulting like Deloitte. So over there, I am handling a team of 10 members into financial advisory, like related from business valuation, financial due diligence. I don't know you heard these words or not. But for sure, after your clearing or during your tenure, you will able to, you know, understand what I was talking now. So merger acquisitions, financial due diligence, audit and assurance, treasury audit, internal audit, risk advisory. You have a lot of options, but you have to decide which field you want to grow in. Accordingly, look for the articleship and then pursue in that particular field which interests you. Should not be something that you are getting any opportunity, like you are very good in internal audit. You think like it will excite you. But you got an opportunity into external audit. It depends like how long you waited for this opportunity. Will it
give you an opportunity to move into, you know, internal or not. Accordingly decide, but for sure make your career which interests you. That's my only advice to you. And whatever you do, give your best. I'm not saying that just be focused on your books. Spend every day, every night by doing homework and the classes. But it's not something you feel like that after doing homework or after attending classes, you will not have any time to do anything for yourself. It's wrong, because I used to manage, my other friend used to manage, my colleague used to manage. You can spare time if you're spending an hour on yourself. It depends whatever you want to do, go out, play cricket, you want to read book, novels, watch movie, Netflix, anything, but do. If you will not, then there will be a time after a week, 2 weeks, month, 2 months that you will feel exhausted. And there will be something, you know, if you will not even have a proper meal, your health will be compromised. So focused on yourself, in yourself means to eat well, so that this will process, and then you will, whatever you will read, you will get to, you know, you will observe that instead of just again and again reading, but aapko aisa lag raha hai ki mere ko samajh hi nahi aa raha, mere ko kuch yaad hi nahi aa raha, main kuch yaad hi nahi kar pa raha. Achha khaoge, achha piyoge, khud ka dhyan rakhoge, class karo, homework karo, sab kuch ho jayega. Agar main yahan baith ke wahan pahunch sakta hu, तो कोई भी पहुंच सकता है. बस मेरे लिए इतना ही मेरी तरफ से, बाकी सब आपके क्वेश्चंस. बहुत बोल लिया मैं. अगर अगर मैं इसका जवाब दूंगा ना, तो ये इसी सीट तक, इसी क्लास तक रहेगा. मैं तुम्हें वो एक्सपीरियंस दूंगा जो शायद मैंने प्रैक्टिकली करा है, मतलब जो प्रैक्टिकली जो मैंने सीखा है यहाँ से उठ के वहां पे बैठने पे. तो उसका कुछ पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा. ये तुम्हें सबसे अच्छा जवाब सुरेंद्र सर दे सकते हैं. बिल्कुल, मैंने बोला भी था इनको कि आपको सवाल वो आपसे बहुत है. परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो मैंने कहा कि वो आपसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं और आप उनसे वो सवाल पूछना जो आज के दिन वो पूछना डिजर्व करते हैं. अब ये सीपीटी में इन्होंने बताया ना, सीपीटी कब हुई? 11 दिसंबर में हुआ है जो तुम बात कर रहे हो. 11 साल पुरानी बात हो गई. ठीक है, तो अभी ये मैं बता वो भी दूंगा. हाँ, लेकिन तुम्हारे काम वो नहीं आएगा. जो और कुछ पूछोगे वो आएगा. वो ज्यादा इनका टाइम जो है, क्वालिटी टाइम में लो आप. यस, पूछ सकते हैं आप. कोई एडवाइस चाहिए? सैलरी पूछ रहे हैं. कि पैसे कितने कमा रहे हो ये बता दो. कहीं पे भी हायरिंग होती है ना, तो सबसे पहले एचआर एक ही बात बोलता है, डोंट डिस्क्लोज योर सैलरी. उसके पीछे कोई रीजन होगा, बट आई कैन गिव यू अ रफ नंबर. आई एम नॉट श्योर यू विल इमेजिन और नॉट, इट्स प्लस 70 लाख पर एनम. 70 लाख प्लस पर एनम. आप इनको थोड़ा बड़ा लग रहा हूं मैं. पैसों की वैल्यू है सर. एक्चुअली क्या है कि हमारी सोसाइटी में ना इंटेलिजेंट बच्चों को असाइन किया जाता है. कि आप सीए बन जाओगे, जो एवरेज बिलो एवरेज बच्चे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और इंटेलिजेंट खुद भी आउट हो जाते हैं इस फील्ड से, या फिर वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं. आपका जो यहाँ की जो जर्नी रही है वो कोई बहुत ज्यादा सीरियस वाले की नहीं रही है. सिंसियरिटी का लेवल बहुत जबरदस्त रहा है आपका. तो बिल्कुल दुष्यंत सर ने सही कहा कि कैसे रहोगे तो ऐसे बन जाओगे, वो बताओ आप. देखो भाई, जब मैंने यहाँ आया था, मैं गुजरात से आया था, मेरे 10th 11th 12th सीबीएसई से है. 10th में मेरे मार्क्स थे 59% बस. 12th में थे 69. पापा सब फैमिली खुश थी कि पास हो गया बेटा. उसके बाद मैं यहाँ पे आया, सब टीचर्स की एक ही राय थी, ये बंदा फितूर है, बाइक लेके घूमता है, बाहर से आया है, पता नहीं क्या करेगा. मेरा सिर्फ एक ही था कि मेरे घर पे फोन नहीं जाना चाहिए पारस से, सिंपल सा, चाहे कुछ भी करना पड़े. पैसे वहीं से आते थे. तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ता था, होमवर्क, क्लासेस अटेंड, एबसेंट हुए तो फोन जाएगा, होमवर्क नहीं करा एक दो दिन तो जाएगा, क्लास में कुछ करा तो जाएगा. तो उसकी वजह से पढ़ता था. पढ़ते पढ़ते चीजें ऐसे समझ आने लगी कि भाई शायद लाइफ के दो फेज होते हैं, कि एक पढ़ाई और एक खुद का भी देखना. अगर एक को भी इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दोगे तो तुम या तो ज्यादा पढ़ लोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे,
क्योंकि आपका माइंड सपोर्ट तभी करता है जब आप एकदम सही स्टेबल माइंड पे हो। सिर्फ पढ़ने से ही चीजें नहीं होती हैं। आप तभी बोलते ना कि लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, डोंट कम्पीट विद अदर, कम्पीट विद योर सेल्फ। उससे मतलब उनका यही होता है कि भी खुद से ही करो, चाहे वो जिस वे में तुम्हें समझ आए चीजें, लाइफ या आपका एक्सपीरियंस जो भी है। तो यहाँ पे क्लासेस अटेंड सारी करी है, होमवर्क सारा करा है, एकदम एवरेज बंदा यहाँ आया। यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग टैक्स सब कुछ यहीं से स्टार्ट करा है। 11th 12th में ऐसा कुछ नहीं करा था, एक ही था कि भाई ठीक है पापा बाहर भेज देंगे तो आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, MBA करेंगे, आ जाएंगे, पापा का बिजनेस देख लेंगे। यहाँ के पता चला शायद मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, तो वहाँ से स्टार्ट करा था। अपने इंटरेस्ट को साथ रखते हुए, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देते हुए, खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए, मैंने शायद पढ़ते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा क्लास में या मतलब हॉस्टल में, क्योंकि सब सोते थे तब मैं पढ़ता था। क्लास में मैं आराम से ऐसे ही आता था जैसे आज आया हुआ हूँ, और उसके बाद में पीछे जाके बैठना, खुसरू पुसर करते, दुष्यंत सर बेटा तू खड़ा, मैं कुछ नहीं करता था तो भी सर बोलते थे तू नहीं करा होगा आगे वाला कर ही नहीं सकता, हालांकि मेरे से ज्यादा दूसरे लोग भी थे बदमाश, बट शक्ल से लगता था पता नहीं क्यों लेकिन टेस्ट में कभी कम मार्क्स नहीं आए, घर पे कभी कॉल नहीं गया। जब मैंने मेरा टाइम डिनोट करा कि भी मेरे को रात को 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक पढ़ना है, उससे पहले मैं सोऊंगा और मेरा काम करूंगा, तो 2 से 6 पढ़ना है मतलब पढ़ना है। होमवर्क का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, भले ही 2 घंटे फालतू बैठना पड़ जाए, वो करके आना है होमवर्क तो करके आना है। क्लास एक भी मिस नहीं करनी, भले ही मस्ती क्लास में कर लेना लेकिन क्लास छोड़ के मस्ती नहीं करनी। सिंपल से यही फैक्ट थे उन्होंने मेरे को बनाया है, एकदम एवरेज, यही आके बिल्ड हुआ सब। और शायद यहाँ फाउंडेशन इतनी तगड़ी हो गई थी कि बाहर कहीं पे भी पढ़ा कुछ भी करा, जहाँ जो मेरी फाउंडेशन थी उससे नीचे कभी नहीं गिरा, और आज लगता है सक्सेसफुल हूँ। और एक छोटी सी एडवाइस इस टेक्नोलॉजी में, मतलब जैसे मैं यहाँ से वहाँ गया, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी यहाँ पे, मतलब हम हिसार में रहते हैं नहीं पता चलती। आज के टाइम में आप फाउंडेशन में हो, बहुत आज के टाइम नेटवर्किंग फिजिकल नहीं रही है, सोशल हो गई है। आई विल गिव यू ओनली 1 एडवाइस जो मैंने सीखी मेरी जर्नी में, क्रिएट योर अकाउंट ऑन लिंक्डइन। जितना आप अपने इन्फ्लुएंसर या जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है उन नेटवर्क को आप बिल्ड करो, लिंक्स में रहो। यू डोंट नो, यू नो दिस अपॉर्चुनिटी विच आई गॉट इन मजार्स वॉज थ्रू लिंक्डइन। सो आने वाले टाइम में प्रोफेशनल नेटवर्क यही है, तो थोड़ा सा इंस्टा से टाइम निकाल के, स्नैप से टाइम निकाल के इस पर लगाना। आज नहीं 2 साल बाद जब भी आप आर्टिकलशिप के लिए देख रहे होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए देख रहे होंगे, और सीए बनने के बाद जब आप सीए के लिए देख रहे होंगे, बहुत हेल्प करेगा ये नेटवर्क तुम्हारा, बहुत ज़्यादा। और मैं भी हूँ और भी काफ़ी लोग होंगे हमारे पारे से निकले हुए। क्रिएट योर अकाउंट इफ यू हैव, डू फॉलो एवरीवन लाइक योर सीनियर सुपीरियर्स एवरीवन, दैट्स द एडवाइस। हेलो सर, मुझे आर्टिकलशिप के बारे में पूछना था कि जैसे हम आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे तो 2 ऑप्शन है कि या तो हमने सुना कि बिग 4 से करो या फिर एक ठीक ठाक फर्म से करो, तो क्या डिफरेंस है और हमें क्या चूज़ करना चाहिए? दोनों अपनी जगह सही है, डिपेंड करता है आप चाहते क्या हो। अगर आपका फोकस है कि भाई आपको जॉब करनी है और आपको एक ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर एक का अपनी अपना अपना होगा, मुझे लगता है कि एक बंदे को एक फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, किसी का ऐसा होता है कि उसको सब काम आना चाहिए, गलत दोनों नहीं है। मेरा मुझे लगता है कि मेरे को एक्सपर्ट होना चाहिए, तो मैं एमएनएम में घुसता जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका फोकस है कि एक ही चीज़ में एक्सपर्टीज करना, तो बिग 4, क्योंकि आप ऑडिट में जाओगे, ऑडिट में स्पेसिफिकली एक्सटर्नल में जाओगे, एक्सटर्नल में स्पेसिफिकली आप इंडस्ट्री में जाओगे, कौन सी इंडस्ट्री में, उसमें लिस्टेड या नॉन लिस्टेड, तो आप एक तरीके से स्पेशलाइज जगह पहुंच गए हो, उसी में ग्रो करोगे, ठीक है। आगे जो आप कंपनी स्विच करोगे आपको उसी में ही आपको जॉब्स मिलेगी। अगर आपका ये कि मेरे को यही हिसार में दिल्ली में अपनी फर्म खोलनी है, तो आप फर्म में जाओगे, क्योंकि आपको टैक्स भी आना चाहिए, आपको ऑडिट भी आना चाहिए, आपको रिस्क एडवाइजरी भी आना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स भी आना चाहिए, IFC भी आना चाहिए, आपको कभी एडवाइजरी हो कोई एडवाइजरी भी आना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, तो आप मीडियोकर में जाओ। तो क्या आपका गोल है, क्या आप चाहते हो, और उस पर्पज से बिग 4 और नॉन बिग 4 आपको डिसाइड करना है, गलत दोनों भी नहीं है। सर, आपके CA कोर्स के टाइम पे ऐसी कोई स्किल या ऐसी कोई नॉलेज जो आपको लगे कि CA के बाद आपको दूसरों से स्टैंड आउट करने में वो आपको हेल्प कर रही है, या फिर ऐसी कोई स्किल जो आप लगता है कि एक CA स्टूडेंट को या फिर किसी को भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो स्किल होनी चाहिए, या फिर वो CA के टाइम स्टडी के टाइम पे वो डेवलप कर सके, जैसे कम्युनिकेशन स्किल या फिर हम बात करें। यहाँ रह के एक ही चीज में मैंने स्ट्रगल करा था कि भाई हम पढ़ते हैं, हम मस्ती करते हैं,
लेकिन हम ना पढ़ाई करते करते एक चीज़ भूल जाते हैं कि भी जो हमने पढ़ा है वो बताएं कैसे। MBA वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, उन्होंने पढ़ा इतना नहीं होता, उन्हें बताना आता है, तुम उन्हें बता देना कि इसका बैकग्राउंड क्या है, वो उतने अच्छे वे में बताएंगे कि भी आप सोच भी नहीं सकते। ये जो स्किल है ना, ये शायद हम में आ नहीं सकती बिना MBA करे, बट मुझे इतना पता है कि हम इतने नीचे भी नहीं है। अगर हम सेल्फ डेवलप करने लगें खुद को, तो आपको ना एक प्रेजेंटेशन स्किल्स, खुद को रिप्रेजेंट करने की स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन भी सबसे बड़ा फैक्टर है, वो अगर आता है ना, और नहीं आता तो उसको डेवलप करो, क्योंकि आप CA बन जाओगे, आप सब कुछ कर लोगे, अगर आपको बताना नहीं आया ठीक से, बिग फोर में बैठ के इंटरव्यू में क्लियर करना नहीं आया, तो फॉर श्योर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ हो, उन्हें भी पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, फिर भी आपको नहीं हायर करेंगे, किसी और को करेंगे जो अच्छा बोलना आता है, क्योंकि इनडायरेक्टली आप फिर क्लाइंट पर जाओगे और डेलोइट को या किसी बिग फोर को रिप्रेजेंट करोगे, तो उन्हें टेक्निकली उनको लगता है कि ये बात मैं उसे बता दूंगा तो वो समझ जाएगा, इतना तो CA करी है तो उसे पता है। बाकी क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन करेगा डेलोइट को रिप्रेजेंट करते हुए, वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है, ज़्यादातर मैं किसी इंटेलिजेंट को लूँ जो कम अच्छा बोलता हो। तो किसको प्रेफरेंस मिली? अच्छा बोलने वाले को, इसलिए MBAs को भी इतनी प्रेफरेंस मिलती है, हमसे ऊपर नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, YouTube देखो, आप कुछ भी पढ़ो, कैसे भी करो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है ना, तो CA के साथ साथ उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देके स्ट्रॉन्ग करो, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। बाहर आने वाला जो कॉम्पिटिशन है बहुत तगड़ा है, आज का टाइम भी बहुत तगड़ा है। तो हम तो उस टाइम कर गए, बाय गॉड ग्रेस गुजरात रहा था, मेरी कम्युनिकेशन सही थी, और शायद ऐसा लगता है रोज़ सीख ही रहा हूँ, अभी भी कम्युनिकेशन मेरी चली रही है। तो ऐसा नहीं है कि भी आप बोलोगे कि बस 6 महीने लास्ट में कर लूँगा, आ जाएगी, नहीं आएगी भाई, क्योंकि तुम शुरू से इंग्लिश पढ़ रहे हो बचपन से लेके, अगर अभी भी नहीं आ रही तो कितने साल हो गए गिन लेना, तो सोचो कितने साल और लगेंगे। तो 2 महीने खेल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल एक स्किल है। क्रिकेट 2 महीने में कोई खेलना नहीं सीख सकता, वो बचपन से खेल रहा होता तो जाके सचिन तेंदुलकर बनता है, तो ये भी एक स्किल है। तो वो आप अपने वो अंदर डालो कि भाई मेरे को ये चीज़ें सीखनी है, क्योंकि हम एक ही जगह मार खाते हैं कि हमें ठीक से बोलना नहीं आता, अभी हम बताएं कैसे करके बोला, उतने में इंटरव्यू आगे सुनता ही नहीं है तुमने कितना ही सही बोला हो। एंड दैट वाज द ओनली रीजन आई गेव यू दिस प्रेजेंटेशन इनिशियली इन इंग्लिश, सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड दैट कि यू नो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू गो, इफ यू नो इंग्लिश हाउ यू कम्युनिकेट, डजंट मैटर इन विच कंट्री यू आर, यू विल बी सर्वाइविंग। सो फोकस ऑन कम्युनिकेशंस एंड योर दिस प्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ the skills, that's it. बस मैं तो पीछे बैठ गई, बहुत क्वेश्चन पूछता, मेरे टाइम कोई आता तो ऐसे मैं वहां खड़ा कैसे है। ये पूछ रहे कि भाई आपके अटेम्प्ट भी लगे हैं क्या? मेरा CPT में नहीं लगा, IPCC में नहीं लगा, फाइनल में लगा एक अटेम्प्ट, बस एक। उसने पूछा बस, मैं बस सर। अबे 6 लगेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे 7 वाले इस अटेम्प्ट में बने हैं CA, और मुझसे ज्यादा पढ़ते थे, बैठ मतलब टाइम ज्यादा देते थे पढ़ने पे। तो ऐसा नहीं होता, वही बोल रहा हूँ, अच्छा खाओ पियो ये साथ देगा ना तो सब कुछ होगा। तुम सोचो कि मैं 10 घंटे पढ़ लेता हूँ, एक मौके एक दो मील्स आपने मतलब सेक्रीफाइस कर ली, मैं लिख के देता हूँ आपको, उस 10 घंटे में आप उतना आउटपुट नहीं दोगे, अगर वो दोनों दो खाना खा के, दो बार खाना खा के आप 6 घंटे बैठे होते ना, उतना आउटपुट आ जाता। मेरा एक्सपीरियंस है, 7 वाले का एक्सपीरियंस है, मेरे 7 वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में बन के मेरे ऊपर भी हो गए, मेरे बाद वाले भी मैंने देखे हैं, और जो मेरे 7 वाले CPT जिसने स्टार्ट करी थी इस अटेम्प्ट में पास हुए, सर को भी पता है, उनको भी देखा है। तो गलत वो भी नहीं थे, गलत हम भी नहीं है, गलत जो हमसे पहले पास हो गए वो भी नहीं है, डिपेंड करता है आप प्रायोरिटीज कैसे दे रहे हो। अपनी हेल्थ को अगर प्रायोरिटीज नहीं दोगे आप, तो आप यहाँ बैठे हुए भी सो रहे होंगे या फिर आपके दिमाग में नहीं जा रहा होगा। तो नींद पूरी होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई टाइम पे करो, क्लास टाइम पे आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, बाकी टाइम खुद को दो, बचेगा, आपको लग रहा होगा नहीं बचता, बचेगा। 24 घंटे आपसे कोई नहीं लेता, 6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं होनी चाहिए। कोई सोचे 4 घंटे, वो बंदा 7 घंटे पढ़ रहा है, मैं आज 4 घंटे सोऊंगा तो ही 7 घंटे पढ़ पाऊंगा, भाई मैं 3 घंटे पढ़ के ही वो काम कर रहा है। डिपेंड करता है मेरी हेल्थ कैसी है, मैं किस तरीके से, मेरा शेड्यूल है, मैं कितना जल्दी चीज़ें कैप्चर करता हूँ, और मेरा माइंड कितना जल्दी करेगा जितना मैं अच्छा खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा। तो कोई बोले ना कि भाई सो मत भले इतना काम कर ले, वो नहीं होता भाई, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई प्रायोरिटीज उन्हें दो, मतलब हर चीज़ को इक्वली आप प्रायोरिटीज दो, तो आप को लगेगा कि भी आप हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। वरना कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगा कि भी रात को मूवी देख के आया, फिर आके बैठ के पूरी रात सोए नहीं, यहाँ आए
आपको उस दिन शाम को खुद को फील होगा कि यार मैंने आज पूरे दिन कुछ नहीं करा क्योंकि मैंने रात को ऐसा करा था। वो खुद से कभी गिल्ट नहीं आना चाहिए, वो जब तक नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ रही है सोच लेना। और कॉम्पिटिशन दूसरों से नहीं खुद से रखना, कॉम्पिटिशन दूसरों से नहीं होता, साथ होता है। मैंने एक चीज सीखी है, अगर आपको दो चीजें आती हैं अगले बंदे को तीन आती हैं, तो आप अपनी दो बताओ वो तीन आपको बताएगा। ऐसा नहीं उसने आपको बता दिया तो उसका कुछ चला गया और आपको ज्यादा बड़े हो गए। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दो बात बताई तो शायद उस दो बात को बताते हुए मैंने एक बात सीखी है जो मुझे लगता था मुझे आती है, बताते हुए मेरे को समझ आया मेरे को नहीं आती, मैंने जाके फिर देखा कि हाँ यार मेरे को नहीं आती थी। और बात करते हुए ये नहीं पता आपको सामने वाले बंदे ने कैसे बता दिया जो शायद हम यहाँ पे भी नहीं समझ पाए थे। तो हमेशा एक सर्कल बनाओ अपना, अपने वैसे ना फोर्सफुली नहीं बनता, अपने पर्सनल सर्कल में कोई भी ऐसी नहीं आ सकता। आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको पता कि आपके पर्सनल सर्कल में कौन आ रहा है, कितना बड़ा आपको सर्कल होना चाहिए, कैसे कैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, किसके डिफरेंट डिफरेंट है, एक्सट्रीम के भी नहीं होने चाहिए, एक जैसे भी नहीं होने चाहिए। तो जो आपका वो नेटवर्क होगा ना, उसमें जो आपकी डिस्कशन होगी, सारी चीजें होंगी, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो मस्ती भी होती है और साथ में तुम्हारे पता नहीं मस्ती करते करते तुमने क्या पढ़ लिया। तो मैं हमेशा पढ़ते पढ़ते नहीं गया, मुझे मस्ती पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ पे हूँ। तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ आपको बस देखना है क्या चीज़ें कैसे देनी है। सीए को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखना। अगर सोचोगे कि भाई सीए नहीं हो रही है बीकॉम कर लेता हूँ, तो वो बंदा खुद दो पैरों पर रखा हुआ, मतलब पैर रख रहा है दो नाव पे, तो भाई दोनों मिल जाएंगी, डिपेंड करता है कैसे मिलेगी, हो सकता है दोनों ही ना मिले, मैं कोई नहीं उस पर जज करने वाला, पर्सनल की खुद की कैपेबिलिटीज हैं। बट मेरा फोकस था कि मेरे को बीकॉम करनी नहीं है, तो मैंने करी ही नहीं, मैंने सीए करा फिर मैंने बीकॉम करी। अगर मैं बीच में करता तो मुझे नहीं पता कि शायद मैं वो ऑप्शन ले लेता, पापा के पास थोड़ा बिजनेस ठीक था, शायद मैं वहां चला गया होता, शायद जहां आज मैं खड़ा हूं वहां नहीं खड़ा होता। तो इतना स्ट्रांग बनाओ अपना विल कि कोई तोड़ ही ना पाए। 5 साल की जर्नी यहां थी मेरी सीए की, मैं 2 बार गुजरात गया हूं मेरे घर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 2 बार गया हूं तो मैंने बाकी सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने यहाँ पे भी बहुत इंजॉय करा, मुझे पता वहां जाने पर शायद मैं ज्यादा इमोशनल अटैच हो गया, फिर 2 दिन और रुकूंगा, 2 दिन जाने से पहले एक्साइटमेंट में नहीं पड़ूंगा, मैंने वो चीजें करी ही नहीं। मैंने किसी की शादी नहीं देखी, मेरे नंबर हर 6 महीने बदलते थे, एग्जाम से पहले कोई नंबर ही नहीं होता था। तो मुझे पता कि उन 6 महीने में मुझे किसे टाइम देना है, बच्चों 6 महीने में मुझे किसे देना है। आप ही खुद को सबसे बेहतर जज कर सकते हो, दूसरा आपको एडवाइस दे सकता है, आप ही उसे ले सकते हो और नकार सकते हो। तो जो भी करते हो ना आप ही करते हो, कोई नहीं कर सकता किसी के लिए। तो आप ही खुद के लिए करोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं करोगे तो भाई बहुत लोग घूम रहे हैं, आप भी घूमना, बाहर मिलेंगे कहीं, यहाँ आके लेक्चर आप नहीं दे रहे होंगे, मैं फिर आऊँगा। ऐसा कुछ करो कि यहाँ आओ और हम लोग भी कभी वहाँ बैठे बोले पारस से पढ़ के आया था, मुझे कहीं कतर में कोई मिले या कहीं इंडिया में मिले कहीं पे। सो बस फाइनल में बोथ ग्रुप दिए थे, मैंने फाइनल में बोथ दिए थे, इंटर में अलग अलग दिया था। तो सर बिग फोर में एंट्री के लिए जैसे ग्रुप का कोई कुछ होता है कि सिंगल दोगे तो नहीं मिलेगी या फिर बोथ दोगे तो ऐसे? सब आर्टिकलशिप के लिए, आर्टिकलशिप के लिए है उनका कि भी बोथ ग्रुप क्लियर होना चाहिए, एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक ही साथ देना होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। लेकिन अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज आप अलग अलग करके दे रहे हो, यू नेवर नो आप कैसे पहुंच जाओ अगर आपकी विल स्ट्रांग है तो। मैं बिग फोर जैसा बंदा ही नहीं लगता था खुद को, पता नहीं क्या करा, कैसे करा, कैसे पहुंचा, जब वहां पहुंचा उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो आज के टाइम पे पार्टनर्स नाम से जानते हैं, डेलोइट के, ईवाई के, कतर में लोग नाम से जानते हैं कि ये बंदा इंडिया से आया है, ऐसे ऐसे उसकी स्किल्स हैं। मैं मेरे पार्टनर को सिखाता हूँ जो इंडिया में जो बंदा सीख रहा है ना। मैंने एक और एक्सपीरियंस मैंने करा है बाहर रह के, मतलब हर कंट्री गया हुआ हूँ, देखी हैं चीज़ें जो शायद इंडियंस जितनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन या जितना टेक्निकल माइंड साउंड माइंड उनका है ना, जैसे वो समझते हैं चीज़ों को देख के। हम क्या करते हैं, हम देख के विजुलाइज करते हैं हर चीज़, कुछ भी देख लो आप विजुलाइज करोगे। आप कई लोग मुझे देख के विजुलाइज करोगे कि आप यहाँ पे खड़े होंगे किसी टाइम बाद। तो सबसे स्ट्रांग चीज है, हम ऐसे विजुलाइज करते हैं टेक्निकल स्किल्स को भी, मतलब अपनी फाइनेंशियल देख के सब देख के, कि भी हम ऑन द स्पॉट जवाब दे देते हैं कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा। और इंडियन से ऊपर मैंने किसी को टेक्निकली स्ट्रांग नहीं देखा अब तक मेरे एक्सपीरियंस में बाहर। और यही रीजन है कि भी मेरे को एक कंपनी ने 7 राउंड लिए, मेरे को मेरे पास अभी ऑफर है, मैं मजाक छोड़ रहा हूँ, रेजिग्नेशन पे हूँ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, 7 राउंड लिए, ग्रुप सीईओ ने इंटरव्यू लिया, यूएस का था, मैंने उनसे कंपनसेशन मांगी 60% अप,
मैंने कहा जहाँ मैं हूँ मेरे को 60% अप चाहिए, उनके लेवल में नहीं था करना, चेयरमैन से एक्सेप्शनल अप्रूवर आई है, बोला चाहिए तो राहुल चाहिए वरना कोई नहीं चाहिए, एचआर ने 20 बंदे दिखाए उनको, लेकिन कोई मेरे जैसा नहीं था, शायद कोई इंडिया से नहीं था। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्टडी के साथ अपनी पर्सनल स्किल कैसे मैनेज की? पर्सनल स्किल्स कैसी, मतलब प्रेजेंटेशन? मैं स्टडी के साथ शायद आईपीसीसी तक नहीं करी थी मैंने, मुझे नॉलेज नहीं था, जब मैं आर्टिकल के लिए बाहर गया तो मुझे पता चला, तो यूट्यूब देखता था मैं, क्योंकि मुझे पता है कि भी आज के टाइम पे एक्सेल अच्छा आना चाहिए, सब चीज़ें हैं, तो यूट्यूब देखा, लेकिन हर कुछ जो भी देखा इंग्लिश में देखा, समझ नहीं आया, बाजू में डिक्शनरी खोल लिया, मोबाइल खोल लिया, लेकिन जो भी देखा इंग्लिश में देखा, बॉलीवुड छोड़ के हॉलीवुड पे आ गया, बात करना भले नहीं आती थी इंग्लिश में बात करने लग गया, सामने वाले को कितना भी बड़ा मैं लगता हूँ, चाहे शायद वही जो चीज़ें हैं ना आप अपने अंदर बिल्ड कर लेते हो कि मेरे को बोलना भी वैसे ही है, करना भी वैसे ही है, लोगों को देख, आप अगर मुझे देख रहे हो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मेरे को सीए बनना है, इस ये बंदा यहाँ पहुँचा तो मैं भी कहीं पहुँच सकती हूँ, इसका मेरा बैकग्राउंड सेम है, मतलब तुम लोग रिलेट कर रहे होंगे मेरी कुछ बातों से, क्योंकि कुछ एक सिमिलर चीज़ें मेरी तुम्हारे अंदर भी होंगी, तो उससे आप रिलेट कर रहे हो, आप वो चीज़ें देख रहे हो, लेकिन क्या होता है कि भाई ऐसे ही जब मेरे को लगा कि मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, मेरे अंदर मतलब प्रेजेंट करना मुझे आना चाहिए, मेरी एक्सेल पीपीटी स्ट्रांग होनी चाहिए, डिमांड है कि भाई आप हाथ में लेके नहीं घूम रहे थे कि आपको आता क्या है, कहीं तो दिखाओगे, वो आजकल एक्सेल में पीपीटी में दिखाते हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ है कहीं तो बताओगे, वो बोल के बताते हैं, तो मैं ऑब्जर्व करने लग गया हर चीज़, मूवीज़ देखी तो सबटाइटल के साथ देखी कि भाई कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, किसका क्या मतलब है, मैंने यूट्यूब देखे तो इंग्लिश में देखे कि कैसे देख रहे हैं, नॉवेल्स पढ़ी तो मैंने इंग्लिश की पढ़ी, तो आपको नहीं पता आप कैसे है उसको ऑब्जर्व करके सीख गए, एबीसीडी तो सिखाने से रहे अभी लोग, वो आपको आती ही है, और इंग्लिश क्या है, तो वो ऐसे ही सीखोगे देख देख के ऑब्जर्व करके, जब आपके अंदर आए कि यार मैं मेरे को ये चीज़ सीखनी है, आप खुद ऑब्जर्व करने लग जाते हो, आपको लगता है मेरे को ये गाड़ी लेनी है, कैसे आएगी, पैसे कैसे आएंगे, पैसे जॉब से आएंगे, जॉब कैसे आएगी, पढ़ने से आएगी, ऐसे करके आप लेट करके स्टेप बाय स्टेप जाते हो ना, गाड़ी लेके तो पढ़ने नहीं जाते, पढ़ के कमा के गाड़ी लेने जाते हो, सिंपल सी बात है, आपको नहीं पता आप कब करने लग जाते हो चीज़ें, तो जस्ट ट्राई टू फोकस, चीज़ें कर लो कि अपनी लिस्ट बना लो कैसे कैसे मुझे सीखनी है, मैं नहीं बोल रहा तुम्हें कोचिंग सेंटर जाओ और इंग्लिश सीखो, नहीं सीख पाओगे शायद, क्योंकि टाइम नहीं होता हमारे पास, और एक कोचिंग के साथ दूसरी कोचिंग भी नहीं चलती, लेकिन आप ऐसे ही चीज़ें सीख सकते हो और बहुत बेहतर सीख सकते हो, मैं कोई कोचिंग नहीं गया, मैं 6 तक हिंदी मीडियम में था, सीधा सीबीएसई में गया, गुजरात पहुंचा तब, शायद एक साल तो मेरे को टीचर ऐसे बोलते थे कि ये सिर्फ देखता है, इसे पता नहीं कुछ समझ आता है नहीं आता, बाजू वालों से पूछ के उनसे सीखता था, मैडम ने आज बताया क्या, 6 क्लास में 6 नंबर से ग्रेस से पास हुआ हूँ मैं, वो भी मेरे को रहम करके उन्होंने 6 नंबर दिए कि पहली बार आया हिंदी से सीबीएसई इसलिए, लेकिन उसके बाद फिर कभी पीछे नहीं मुड़ा, एक बार उन्होंने मेरे को दे दिया, मैं दूसरा मौका उन्हें नहीं दूंगा, तो खुद के साथ खुद की लड़ाई है भाई, लड़ो, जब तक लड़ रहे हो चल रहे हो, जब तक छोड़ दोगे उस दिन बैठ जाओगे। सर इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आपने आपको ट्रस्ट करना कि हाँ मैं कर जाऊंगा या फिर ऐसा कुछ, और उसमें मतलब सीए की जर्नी में ना एक बहुत ज़्यादा एक दिक्कत आती है, मतलब मैंने सुना है काफ़ी बच्चों को कि एक ना सेल्फ डाउट आ जाता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या एक कोई मोड आता है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तो उससे कैसे डील करना है, या फिर कभी आपके साथ आया है तो कैसे डील किया आपने? ये सबको आता है और हर महीने दूसरे महीने आ जाता है, नॉर्मल है, ठीक है, मैं कोई ऐसा आज ज्ञान नहीं देने वाला जो इम्प्रैक्टिकल हो, वो सर देंगे हमारा किताबों के साथ जो कि उनकी ज़रूरत है, मैं वो दूंगा जो मैंने ज़िंदगी से सीखा है, चाहे मैंने इनसे, चाहे मैंने किताबों से, चाहे मैंने बाहर ठोकर खा के, घर वालों से, या दूसरे देश जाके, सबको आता है, बार बार आता है, डिपेंड करता है उस टाइम पर कर क्या रहे हो, या तो उसे पकड़ के बैठ गए तो आपको वो बोलते ना पानी का गिलास पकड़ के रखो एक मिनट तक, कुछ नहीं पता चल रहा, 10 घंटे पकड़ो तुम्हें लगे पता नहीं कितना ही भारी है वो, तो वही चीज़ है, उस बर्डन को तुम लेके बैठ गए तो पता नहीं चलेगा तुम पे इतना भारी हो गया कि तुम सब कुछ छोड़ दोगे। जैसे आपके टाइम में तो क्या है कि फेस टू फेस क्लासेस वगैरह सब कुछ चलता था, आजकल 11th 12th के तुरंत बाद फाउंडेशन की भी पेन ड्राइव्स आती हैं क्लासेस की, आती है, ठीक है, इंटर की, फाइनल की, फाइनल में आप लोगों की अलग तरह की मजबूरियाँ होती है, उसमें करना पड़ता है आपको, तो क्योंकि ये बच्चे अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है, और बहुत सारे बच्चे जो है ना आने वाले टाइम में अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं अपने खुद के डिसीजंस को, तो मैं ये चाह रहा था कि स्पेशली आपने अभी अपनी जर्नी कवर कर लिया है, आप अपने जूनियर्स भी देख रहे हैं, तो ये जो पेन ड्राइव क्लासेस का जो कल्चर चला है, मैं चाहता हूँ कि इस पर 2 मिनट आप ज़रूर बताएं इनको कि अगर किसी को कुछ स्पॉइल करने से बचाया जा सके तो। अगर आप कितना भी देख लो
कि भाई घर पे आपकी भी मेरे पास पेन ड्राइव आ गई, आपके क्वेश्चंस जो क्वेश्चन उस पेन ड्राइव में पूछे गए हैं सेम नहीं होंगे, आप सेम हो ही नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन के फिर आंसर कौन देगा? वो पेन ड्राइव नहीं देगी आपको, वो क्वेश्चन उसी दिन याद रहेगा, अगले दिन आपको छोड़ देख रहे हो आप वो क्वेश्चन भूल चुके हो, किसी दिन एग्जाम में आया ना तो ध्यान आएगा कि ये मेरे को उस टाइम डाउट था, तब तक आपको ध्यान ही नहीं आएगा वो क्वेश्चन कि आपका कभी था भी या नहीं था, क्या ये फेस टू फेस में हो सकता है? और उस टाइम पे अगर मेरे को तो सॉल्यूशन मिल जाता मैं शायद कभी एग्जाम तक भूलता नहीं। तो ये ना बहुत छोटी मेमोरी होती है इंसान की, भूलता भी बहुत जल्दी है, याद भी ऐसे आती है, और याद नहीं भी रख पाता, याद बहुत कुछ भी रख लेता है तो उतना सही। तो डिपेंड करता है तुम कैसे डेवलप कर रहे हो उसे। और जो सीरियसनेस टेस्ट सीरीज देके, जो रोज यहाँ आके, जो दो बंदों के साथ बैठ के जो आप डेवलप करते हो ना अपनी स्किल्स या अपना माइंड भी, एक ही कमरे में आपने क्लासेस लगाई 2 महीने, आपने किसी को नहीं देखा सिवाय घर वालों के, या हो सकता है उन्हें भी ना देखा हो, खाया पिया क्लास लगाई, आपको बाहर का पता ही नहीं, आपका दिमाग खुल ही नहीं पाया, आप एक आपका दिमाग खुद पेनड्राइव बन गया है इन शॉर्ट। तो उससे आगे मैं क्या बोलूँगा, आप खुद एनालाइज करो, खुद को इतना भी तो नहीं बता सकते हाथ पकड़ के, इतना सही जवाब है इसका। तो राहुल एक तो बड़ी खुशी की बात है कि जो सिर्फ स्टडीज तक नहीं रहे, और आप राहुल साक्षात ही आपके सामने अब, तो इन्होंने बता भी दिया है कि मैं स्टूडेंट किस तरह का था और सिंगल ग्रुप वगैरह करके, और ये जो पैकेज इन्होंने बताया ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। और जो क्लासेज में हम बात करते हैं कि भाई खाली स्टडीज़ की तरफ नहीं, अपने लिए टाइम निकालो, और वो मुश्किल काम नहीं है, वो उन्होंने बता दिया ज़रा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके सामने, जो हम क्लास में बात करते हैं, जो एक थॉट प्रोसेस होता है आप कर सकते हैं। और इन्होंने एक बड़ी बात कह दी, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है और बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि यहाँ पर बैठकर अगर मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ तो कोई भी पहुँच सकता है, मतलब इन्होंने कहा कि कोई भी पहुँच सकता है। तो उन्होंने खुद को कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी या उस तरह से नहीं बताया कि जब मैं पहुँच सकता हूँ तो कोई भी पहुँच सकता है, समझ रहे हो ना आप इस बात का मतलब, इसके लिए बड़ी हिम्मत का काम चाहिए। तो इसके अलावा फिर कुछ बचता नहीं है। तो राहुल के ऊपर मुझे पूरा गर्व है आज के दिन कि जो बातें यहाँ पर क्लास में मैं 8-10 महीनों के अंदर समझाता हूँ, ये इन्होंने 40 मिनट के अंदर ही सारी की सारी समझा दी। 40 मिनट भी नहीं हुए खैर। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आपको लगता है कि मैं गुजरात से आया हूँ, मैं हिसारी कैसे पहुँचा? मैं यहाँ नौर भादरा से हूँ, शायद मेरे पापा वहाँ पहुँचे, मेरे दादू के पास कुछ भी नहीं थी प्रॉपर्टी वगैरह, मेरे पापा ने शायद साइकिल की दुकान काम करा यहाँ पे हिसार में 250 रुपये में उस टाइम पे, उसके बाद उन्होंने जॉब करी, फिर उन्होंने अपना बिजनेस खोला, शायद वो जर्नी मैंने उनकी देखी है। मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ उनका, मेरे लिए साइकिल ली थी आगे सीट, मतलब अपने लिए साइकिल ली थी, मेरे लिए सीट लगाई थी, मेरे लिए साइकिल वो सीट थी। तो शायद उस जगह से जाके मैंने गाड़ी तक देखा है अपनी जर्नी, फिर खुद की गाड़ी ली वो जर्नी भी देखी है, और यहीं से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को अपनापन भी दिखता है यहाँ पे, और शायद इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे से हरियाणवी बुला लो, बागड़ी बुलवा लो, इंग्लिश बुलवा लो, हिंदी बुलवा लो, पंजाबी बुलवा लो, मेरे को आती है। शायद इतना कल्चर है मेरे अंदर इन चीज़ों का, खुद को सीखने की वाइब्स थी, पंजाबी मूवी देख के पंजाबी सीख ली, क्या यार इंग्लिश देख के इंग्लिश नहीं सीख सकते, पंजाबी से तो आसान होगी इंग्लिश इतना मुझे लगता है। तो मुझे लगता है दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है एक इंसान के अंदर, उसको कैसे करोगे तो कर लो तो बहुत कुछ कर जाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। और यहीं से उठा हुआ हूँ, गांव से ही आके जा रहा था, यहाँ आके रुका हूँ मैं, कहीं दूसरे शहर से या कहीं से नहीं आया हुआ, मुंबई का कहीं का नहीं हूँ, जाट हूँ, यहीं का ही हूँ नोर का। और एक और चीज़, जाट भी सीए बनते हैं अगर कोई एक ही मतलब इन एंड आई विल से आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई विल मीट समवन आउटसाइड दिस पारस, कोई सीए, कोई आर्टिकलशिप में, किसी बिग फोर में, कोई कहीं जहां मैं शायद उस कंट्री में हूं, मेरे को शौक है कंट्रीज में जाने का बहुत। तो मेरा तो है बसना यही है, देख के सब आना है, लेकिन पैसे लगा के नहीं, कमा के। तो तुम भी यही देखो, यही करो और मिलो मुझसे बाहर, तो इधर बैठ के नहीं, किसी बड़े 5-स्टार में बैठ के कॉफी पियेंगे, उसके मजे भी अलग हैं। तुम्हें लगता हो 1100-1200 कॉफी आती है, लेकिन वहां बैठ के जो पीते हो ना, टेस्ट कॉफी का नहीं आता, वटका आता है, वो कमाओ और अपने पे लगाओ, इकट्ठे करके भी कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू ऑल, एंड आई एम वेरी मच प्लेज्ड, यू नो आई एम बीइंग स्टैंडिंग हियर एंड गिविंग दिस काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीच, आई नेवर थॉट ऑफ इट एंड नथिंग प्रिपेयर्ड एट ऑल, थैंक्स टू मी, यू नो एटलीस्ट शायद कुछ बना के आता तो ऐसा ना बोल पाता। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
जाना है। मैं लिंक्डइन आईडी लिख देता हूँ। सीए तुम लोग लगाते हो ना, मैं खुद नहीं लगाता, वो बनो खुद। तो सीए आए कोई भी लिख लेगा, मेरी कहीं भी आईडी पे आपको सीए लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लोगों को पता होना चाहिए सीए है, बस इतना ही चाहिए। खुद सीए लगा के बताओगे तो कब तक बताओगे? जरूरत नहीं पड़े, ऐसे सीए बनना है।